बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होममेड रेसिपीज। ब्रेड के रोल कैसे बनाते हैं, आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। पहले मैंने आलू को बॉईल किया और फिर उनको मैश कर लिया। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ चिकन डाल देंगे और हम इसको अच्छी तरह से साफ कर लें। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच पीसी हुई सुरख मिर्च डालेंगे और अब ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अब हम इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे और ये सब्ज़ धनिया जो मैंने कट किया था अब वो हम डाल देंगे इसमें और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब ये हमारा आलू और चिकन का मिक्सचर तैयार हो गया है। और अब हम एक ब्रेड लेंगे और साइडों से इसे कट कर देंगे और ये हमारा कट हो गया है। और ये देखें, ऐसे ब्रेड लेना है और फिर इसको बेलना है। बेल के जो मिक्सर हमने तैयार किया वो डाल के इसको ऐसे रोल करना है। रोल करने के बाद अब हम इसको अंडा लगाएंगे। देखिए अंडा लगा लिया है, तो अब हम लगाएंगे इसको ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स के साथ रोल कर लिए है, तो ये हमारे सारे रोल तैयार हो गए। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे ऑयल और ऑयल अब हमारा गर्म हो चुका है, तो इस ऑयल में हम एक एक करके ब्रेड रोल डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि ये क्रिस्पी से बने। और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये रोल बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं, अफ्तारी में भी बना सकते हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ये देखें ब्राउन हो चुके हैं रोल हमारे, तो अब हम इसे एक एक करके निकालेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं। और फाइनल लुक देखें इसकी कितनी प्यारी लग रही है। तो प्लीज़ आप हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।